नमस्कार आदाब दोस्तों, बुमराह एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का मकसद है कि किसी गरीब बच्ची को कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन की जानिब से कोई तरीके की मदद हो सके। हमें आपको बताने में बेहद अफसोस हो रहा है कि हमारे पास एक वीडियो आया है, जो वीडियो हरिद्वार उत्तराखंड से भेजा गया है, जिसमें एक 14 साल की मासूम बच्ची है जिसे 2007 से ब्रेन ट्यूमर हुआ है और इस बीमारी के चलते उस बच्ची की दोनों आँखों की रोशनी के साथ साथ उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिसके इलाज के लिए उसके माँ बाप ने उनका घर तक के बेच दिए पर इलाज करवाने में नाकाम रहे। बच्ची का नाम अलीशा है। हमारी मुमरा कौसा वासियों से विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर यदि कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन की जानिब से किसी भी तरीके की हेल्प करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए हुए अकाउंट नंबर पर आप सीधे संपर्क करके पैसा भेज सकते हैं। IFC कोड के साथ में हरिद्वार ब्रांच का पंजाब नेशनल बैंक का ये अकाउंट है और अगर यदि आपको किसी भी तरीके की बच्ची की बीमारी से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें संपर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बच्ची के माँ बाप से बात कीजिए और अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में इस बच्ची को मदद की ज़रूरत है तो मैं मुमरा वासियों से विनती करूँगा कि ऐसे हालात में हमारे मुमरा वासियों ने हमेशा से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और लोगों की मदद भी की है। अस्सलाम वालेकुम। पापा बोलो। ये मेरी बेटी अलीशा है, ये 2007 से इसे ब्रेन ट्यूमर है और जिस वजह से इसकी आंखों की रोशनी और हाथ पैरों की जान खत्म हो गई है। इसका हमने खूब इलाज करवाया लेकिन हमें कोई इसमें फ़ायदा नहीं हुआ और जिसके इलाज की वजह से हमारा घर भी सेल हो गया, इतना खर्चा बहुत हुआ उसके इलाज पर और हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो गया है। इसका हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके इलाज के लिए और आज की डेट में हम ऐसे हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प करें इसकी, जिससे हम इसका इलाज भी करा सकें और इसका लालन पालन भी ठीक तरीके से कर पाएँ। आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, आपसे जो बन पड़ता है वो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें प्लीज़, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना